हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीक एक और बहुत ही बेहतरीन और टॉप लेवल के आईआईटी प्लेसमेंट्स की वीडियो, जो कि हम लोग के आईआईटी सीरीज में फिफ्थ नंबर पे आता है, दैट इज आईआईटी खड़गपुर। सो मैं बीटेक एंड एमटेक दोनों कोर्सेज के प्लेसमेंट्स की बात करूंगा। सो गाइस, प्लेसमेंट ब्रोशर जो मेरे हाथ लगी है, जो डेटा मैंने निकाली है इंटरनेट से, वो बहुत ही मतलब ब्लर टाइप में, उतना विजिबल नहीं है, बट किसी तरह मैंने जूम कर करके अच्छे से अलग अलग कोर्सेज की डेटा निकाल करके उसका समाप्त किया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर का लोगो भी है। ओके एंड गाइस, ट्रस्ट मी, अब 2024 की ही प्लेसमेंट्स है, क्योंकि आईआईटी जम्मू, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, ऐसे ऐसे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो भी प्रूफ के साथ, वहाँ पे डेट भी मेंशन रहती है, बट इसमें थोड़ा सा चीजें मतलब ब्लर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना बड़े आईआईटी होने के बाद भी बीटेक एंड एमटेक की प्लेसमेंट कितनी ज्यादा कम है, आप लोग को प्रूफ दिखाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बीटेक कोर्स से, क्योंकि बीटेक की मेरे पास बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट डेटा है। मेरे को ये पता है हर एक डिपार्टमेंट में बीटेक में कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे एंड कितने स्टूडेंट्स फाइनली प्लेस हो पाए थे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से। 44 सीट्स हैं बीटेक के लिए, रेस्ट हुए थे प्लेसमेंट के लिए 21 स्टूडेंट्स एंड उसमें 13 स्टूडेंट्स ओनली प्लेस हो पाए थे। सेकंड, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, 46 सीट्स हैं बीटेक की, 19 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उसमें से 8 प्लेस हो पाए थे। सो गाइस, देख रहे हो कितने कम कम प्लेस हो रहे हैं, बाकी अच्छी अच्छी ब्रांचेस पे आ रहा हूँ। थर्ड है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी, 36 सीट्स हैं बीटेक की, रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए ओनली 14 स्टूडेंट्स एंड उसमें से हम लोग के ओनली ओन सिर्फ 10 प्लेस हो पाए थे। नेक्स्ट हम लोग का केमिकल इंजीनियरिंग, 79 सीट्स है बीटेक की, 55 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उनमें से 40 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, 87 सीट्स है बीटेक की, 62 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर हुए थे एंड उनमें से सिर्फ 32 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। नेक्स्ट हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे दो सब ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एक, जिसमें से 80 सीट्स है बीटेक की, 79 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर हुए थे एंड उनमें से 58 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। एंड नेक्स्ट हम लोग की सब ब्रांच है इलेक्ट्रिकल की, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसमें 45 सीट्स है बीटेक की, 45 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उसमें से 38 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट ब्रांच है फ्रेंड्स हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 90 सीट्स हैं बीटेक की, 85 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर हुए थे एंड उनमें से 74 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग का इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, 43 सीट्स हैं बीटेक की, 41 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर हुए थे एंड उनमें से हम लोग के 29 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, 84 सीट्स हैं बीटेक की, 71 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर किया था एंड इनमें से हम लोग के 60 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग की मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, 62 सीट्स हैं बीटेक की, 37 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर हुए थे एंड ओनली सिर्फ 28 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग का ओशन इंजीनियरिंग एंड नावल आर्किटेक्चर, 46 सीट्स हैं बीटेक की, 24 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड ओनली सिर्फ 14 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग का माइनिंग इंजीनियरिंग, 40 सीट्स हैं बीटेक की, 26 स्टूडेंट्स ओनली ऑन रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उनमें से सिर्फ 17 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। सो गाइस, देख रहे हो मैं नंबर ऑफ सीट्स प्रूफ के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि कितने ज्यादा आईआईटीज में सीट्स हैं एंड उनमें से ओनली ऑन कितने कम कम स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, 28, 14, 17। बट गाइस, जो नंबर ऑफ एक्चुअल सीट्स हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे 84, में सिविल इंजीनियरिंग में 87, उनमें से 40, 35, हाफ ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, ताकि आप लोग को रियलिटी पता चल सके कि कितनी कम नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हैं एंड सीट्स कितनी ज्यादा हैं एंड कितने कम स्टूडेंट्स ही हैं जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब आउट कर पा रहे हैं। सो चलो फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बीटेक जो की सो सीट्स हैं वो सारे कोर्सेज की वो 790, टोटल प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर स्टूडेंट 224 में थे वो हम लोग का 579 एंड जितने स्टूडेंट्स की फाइनल प्लेसमेंट हो पाई है वो हम लोग के हैं 421 एंड आप लोग को पता है प्लेसमेंट परसेंटेज उन्हीं स्टूडेंट्स में निकाला जाता है जो एक आईआईटी में पढ़ रहे हैं। सो गाइस, आईआईटी खड़गपुर में 790 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड उनमें से हम लोग के सिर्फ 421 स्टूडेंट्स 224 में प्लेस हो पाए हैं, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज ओनली ऑन 53%, जो कि इतना कम है। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से प्लेसमेंट परसेंटेज निकालूं, सो 579 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के रजिस्टर हुए थे एंड 421 प्लेस हो पाए थे, सो प्लेसमेंट परसेंटेज आ रहा है ओनली ऑन 72%, जो कि टॉप 5 आईआईटीज के होने के बाद भी उतना अच्छा नहीं है। बाकी 224 के हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें, सो हाईएस्ट हम लोग का 2.68 करोड़ गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। वो भी एक स्टूडेंट का था जो सीएससी डिपार्टमेंट का था एंड आईआईटी खड़गपुर का हम लोग एवरेज पैकेज है 22 लाख पर एनम का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हम लोग की बीटेक की प्लेसमेंट। आओ फर्दर बात करते हैं एमटेक कोर्स की। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं कि एमटेक में बहुत नंबर ऑफ वैरायटीज के कोर्स हैं। सो जो मतलब मेन कोर्सेज हैं, मैं सिर्फ उनकी ही बात करूंगा, वरना सारे कोर्सेज वन बाय वन मैं अगर आपको बताऊंगा कि 6-6 स्टूडेंट्स हैं, 2-2 स्टूडेंट्स हैं, सो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी मैं एंड में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स के थ्रू प्लेसमेंट परसेंटेज निकालूंगा। सो स्टार्ट करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, रेस्टो थे प्लेसमेंट के हम लोग के 8 स्टूडेंट्स एंड उनमें से 6 प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट हम लोग का एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 16 स्टूडेंट्स रेस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए, उसमें से ओनली सिर्फ 4 प्लेस हो पाए थे। नेक्स्ट हम लोग का एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, प्लेसमेंट के लिए रेस्टर हुए थे 107 स्टूडेंट्स एंड उनमें से हम लोग के सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही प्लेस हो पाए थे, जो कि बहुत ही कम है। देखो आप लोग, 107 स्टूडेंट्स में से ओनली 20 स्टूडेंट्स प्लेस हो पा रहे हैं एमटेक में एग्रीकल्चर कोर्स में। नेक्स्ट हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी, 25 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए, उसमें सिर्फ 7 प्लेस हो पाए थे। सो देख रहे हो इतने कम कम प्लेसमेंट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, सो 73 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के रजिस्टर हुए थे एंड उनमें से सिर्फ हम लोग के 24 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे।
सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सो 58 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट के लिए एंड उनमें से सिर्फ हम लोग के 15 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। सो देख रहे हो कितने बुरे हालात हैं एम टेक के। सो फाइनली बात करते हैं सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, 71 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड इसकी थोड़ी बहुत अच्छी है, 58 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे सीएससी में। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सो 32 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए और उनमें से हम लोग के सिर्फ 17 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 86 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उनमें से हम लोग के 54 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सो मैकेनिकल में हम लोग के 37 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उनमें से हम लोग के 27 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, सो 33 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए एंड उनमें से हम लोग के 17 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए थे। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा बहुत ही डिफरेंट अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे कि रबर टेक्नोलॉजी, ओशियन इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं। सो मैंने मेन मेन कोर्सेज तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। सो पूरा सम अप टोटल करते हैं अब कि कितने प्लेसमेंट परसेंटेज है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, IIT खड़गपुर में हम लोग की एमटेक की ओनली 1000 सीट्स ही हैं, 1000 सीट्स के मतलब अराउंड ही हैं एंड उनमें से जो प्लेसमेंट के लिए टोटल एमटेक के स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं वो है 777 एंड उनमें से सिर्फ हम लोग के 338 स्टूडेंट्स प्लेस हो पाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। बाकी अगर हम नंबर ऑफ एमटेक सीट्स में अगर प्लेसमेंट परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ही कम होगा, विच इज ओनली 34% प्लेसमेंट है एमटेक में इस कॉलेज IIT खड़गपुर में। अब बाकी अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से अगर प्लेसमेंट परसेंटेज निकालते हो सो आएगा 43%। सो गाइस देख रहे हो इस कॉलेज IIT खड़गपुर में एमटेक में कितने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं एंड कितना कम प्लेसमेंट परसेंटेज है। बाकी गाइस आप लोग IIIT दिल्ली की वीडियो चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर प्लेसमेंट्स बिंदास हैं। सो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे एमटेक की प्लेसमेंट्स इवन बीटेक से भी ज्यादा हैं। ओके सो गाइस अभी हाल ही में मैंने IIT कानपुर, IIT मद्रास, 24 प्लेसमेंट्स की सारी मैंने वीडियो बनाई है प्लेसमेंट प्रोसेस के साथ में। सो आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को मेरे इन वीडियो से चीजों के बारे में पता चल रहा होगा कि कोर्सेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड कितने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब आउट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इस नए वीडियो में। सो वीडियो अगर सच में पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे और इन्फॉर्मेटिव अपलोड्स के लिए। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।